गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग यस गुड मॉर्निंग टू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी कैसे हैं आप सभी आवाज आ रही है आप सबको एक सेकेंड यस एम आई ऑडिबल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फ़ोर IAS अड्डा ट्वेंटी पे आप सबका अभिनंदन है हार्दिक स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे होंगे यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एम आई ऑडिबल एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा आप सब लोग क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं एक बार प्लीज़ बता दीजिए एम आई ऑडिबल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शालिनी चलिए मैं सबके ज़रा चैट आप लोगों के देख लूँ यस yes. सो डोंट वरी मैं चैट देख रही हूँ आप सबके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शालिनी है और कौन है यहाँ पे यस शालू इतुसु यस ममता मैं एकदम ठीक हूँ आई एस पूजा आई एस ममता गुंजन तो बच्चा लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्लास से क्लास आप लोगों की शुरू हो चुकी है हाँ ऑडियो वीडियो क्लियर है थैंक यू शिवांश गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बहुत स्वागत रहेगा आप सबका हार्दिक अभिनंदन रहेगा आप सबका जी तो सब लोग जल्दी से जुड़िए बिना विलंब किए हुए हाँ जी सब लोग जल्दी से जुड़िए बिना विलंब किए हुए चलिए आते हैं यहाँ पर हम लोग बस मैं एकदम अच्छी हूँ और आप लोगों को देखने के बाद और अच्छी हो जाती हूँ है ना एक किसी ने कहा था ना कि उनसे उन कहते हैं ना कि उनसे मिलते ही आ जाते हैं चेहरे पे जो नूर वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है तो बस सब अच्छा है एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन एंड वेल एंड गुड तो चलिए जी जल्दी से जुड़िए आप सब लोग यहाँ पे जी जल्दी से जुड़ जाइए आप सब लोग यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए अब आते हैं पर तो सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ चीजें जो कि यहाँ पर आप लोग लिस्ट यहाँ देख रहे हैं और ये अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन से बच्चों ये वो लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट बिल वी यू इसमें नेक्स्ट जो है वो आप होंगे तो तैयार हो जाइए अच्छे से तैयारी कीजिए और बेहतर तरीके से क्या है आप लोग जो है हाँ जी तो चलिए यहां पर देखेंगे सबसे पहले देखिए रॉप का यानी रिजल्ट ओरिएंटेड बैच का जो है ये लास्ट बैच है जो चल रहा है तो आप लोग बच्चा लोग बिना विलंब किए हुए इस बैच में एडमिशन लीजिए और एक चीज और है मैं आप सबसे यहां पर बहुत कुछ आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बैच के रिगार्डिंग भी आप लोगों से करने वाली हूं मैं जल्द ही कुछ नया बैच हिस्ट्री को लेकर के आप लोगों की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी तो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को लेकर के मैं जल्द ही कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूं लेकिन वो पेड बैचेस होगा और जो प्राइस होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा मैं पहले ही आप लोगों को यहां पर बता देना चाहती हूँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो यहां देख लीजिएगा y813 ये मेरा कोड है बच्चों और इस बैच का ये प्राइस है, है ना यूपीएससी फाउंडेशन रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है ए टू जेड आपको यहां पर तैयारी कराई जाएगी यहाँ देखिएगा यूपीएससी रॉब का लास्ट बैच है जिसमें कि 2024 और 25 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है ये बहुत ज्यादा क्या रहने वाला है फ्रूटफुल रहेगा और बहुत ही शानदार रहने वाला है ये सेशन इसमें टीएसपी आर आई एम पी पी वाई क्यू सी एम पी आई ये सब आपको यहां पर मिलने वाले हैं तैयारी का पावर डोज अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के साथ होगा सेलेक्शन का शोर यूपीएससी ऑप्शनल लाइफ बैचेस मात्र 6999 हजार नौ सौ निन्यानवे का पड़ेगा ये आप सबको तो देख लीजिए ये अभी आप लोगों को भी पता है कि ऑप्शनल का क्या इंपॉर्टेंस है तो बस आप लोग इस बैच से जुड़े रहिए बने रहिए जी जुड़े रहिए बने रहिए बहुत आप लोगों को इसका क्या है फायदा होने वाला है यस yes, तो यहाँ देख लीजिएगा और अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे हमारा ऑप्शनल का फेस्ट चल रहा है बच्चों तो का फेस्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या मेगा सेल है अभी नहीं तो कभी नहीं फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा तो अभी ये मौका है कि आप लोग इससे जुड़े और आप लोग इसमें बने चलिए अब आते हैं यहां पर हम लोग आज के करेंट अफेयर के न्यूज पे क्या रहा इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री वोन गोल्ड मेडल इन हॉर्स राइडिंग इन एशियन गेम्स आफ्टर हाँ जी वन सेकेंड आइए यहां देखिएगा न्यूज में यहां पे आवाज आ रही है ना आप सबको हाँ जी आवाज आ रही है ना आप सभी को यहां पे एक बार प्लीज बता दीजिएगा आवाज आ रही है शिवानी यस yes, शिवानी आप सबको आवाज आ रही है एक बार प्लीज बता दीजिए आप सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यस yes. अच्छा अच्छा ओके ओके मुझे लगा कि अचानक से साउंड में लगता है कि कुछ कमी आ गई तो इसलिए मैं चलिए जी यहां पर देख लेते हैं यहां पे इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री वोन गोल्ड मेडल इन हॉर्स राइडिंग इन एशियन गेम्स आफ्टर इकतालीस ईयर ये देख लीजिएगा यहाँ पे जो न्यूज में रहा जो चर्चा में रहा जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि एशियन गेम्स चल रहे हैं बच्चों तो यहाँ देखिएगा कि मीट द जो है यहाँ पर ड्रेसेज राइटर है ना हु एंडेड ईयर वेट फॉर एन एशियन गेम्स इक्वेस्टेरियन गोल्ड आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया मेड हिस्ट्री भारत ने इतिहास रचा है इन द एशियन गेम्स इक्वेस्टेरियन कॉम्पिटिशन इसको कहते हैं यहाँ पे विनिंग अ गोल्ड मेडल इन ड्रेसेस प्रिक्स सेंट ज आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर फोर डिकेट्स वेन द क्वाटरेट सुदीप्ति हजलेला दिव्य कीर्ति सिंह एंड हृदय शेडा अग्रवाल वोन द टीम तो आप देख सकते हैं यहां पर यस yes, एक बार यहां देख लीजिएगा जी एक बार न्यूज देख लीजिएगा ये न्यूज रहा है अभी जो चर्चा का विषय रहा है यहां पर वन सेकेंड जी वन सेकेंड हाँ जी यहाँ आ जाइए तो ये जो आप न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर तो आफ्टर इकतालीस साल यानी इकतालीस साल का जो हमारा वेट था वो अभी क्या हुआ है समाप्त हुआ है और हम लोगों ने यानी भारत ने इस एशियाई गेम्स में इंडिया हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन द इक्वेस्ट्रियन ट्रीम ड्रेसेज इवेंट इन द एशियन गेम्स दो तो दो में स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हॉर्स राइडिंग का जो आप देख रहे हैं तो वहां पर हम लोगों को क्या जीता है इस बार स्वर्ण पदक जीता है एशियन गेम्स में इसको कहते हैं इक्वेस्ट्रियन टीम ड्रेसेज इवेंट जिसको कि घोड़सवारी कहा जाता है इसमें भारत ने इतिहास रच दिया है इकतालीस बाद साल बाद हम लोग एशियन गेम्स में इक्वेस्ट्रियन में हमने गोल्ड मेडल जीता है और ये एशियन गेम्स में अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं ये इक्वेस्ट्रियन ट्रीम ड्रेसेज इवेंट में भारत का पहला स्वर्ण है सो so ये सबसे पहले ये न्यूज रहा यहां पर उसके बाद आइए देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट बातें रही यहां देखेंगे द इंडियन टीम इंक्लूड्स सुदीप्ति सुदीप्तीजलेज हजेला दिव्य कीर्ति सिंह एंड हृदय छेड़ा अनूप अग्रवाल तो भारतीय टीम में ये शामिल थी जिनको यहां पर मिला है और ये तीसरा गोल्ड मेडल है इससे पहले महिला क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीता था भारत की महिला टीम ने फाइनल मैच में श्रीलंका को 19 रनों से हराया था वहीं इससे पहले भारत ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है तो आप देख सकते हैं कि एशियन गेम्स में हमारे यहां वॉइस नहीं आ रही है हाँ .huh? जी वॉइस नहीं आ रही है आप सबको एक सेकेंड मुझे बताइएगा वॉइस नहीं आ रही है आप सबको वॉइस मेरे साइड से तो दिख रहा है यहाँ पे वॉइस का वॉइस किसको किसको लग रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है एक बार प्लीज बताइएगा हाँ जी किसको किसको लग रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है एक बार मुझे बताइएगा प्लीज सब ओके okay है अरे भाई तो थोड़ा सा अपने तरफ आप लोग ठीक कर लिया कीजिए ना आप लोग भी बीच में झूठ मूठ का क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं इस तरीके से जहां ना एक बार खुद पहले अपना मोबाइल भी चेक किया करो बच्चों ऐसा भी आप लोग भी क्या कर देते हैं आप लोग भी यहाँ पहले खुद में नहीं चेक करना है तुरंत कि मैम इसको देखिए उससे देखिए पूरा क्लास करना कंटिन्यूटी खराब होता है तो थोड़ा सा पहले चेक कर लीजिए एक बार आप अपने में है ना एक बार अपना चेक कर लिया कीजिए कि आपका क्या चल रहा है उसमें ठीक है या नहीं है ऐसे पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ना एक बच्चा पिछली बार मैं आपको बता रही हूं एक बच्चे ने क्या कर रखा था अपना वॉल्यूम कम कर रखा था पूरे क्लास में वो बच्चा बोलता रहा कि मैम आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही मैंने कहा कि एक बार आप बच्चा एक बार आप चेक तो करो लास्ट में उसने चेक किया कि हाँ हाँ हा, मैम मेरे तरफ से साउंड खराब था तो थोड़ा सा सिंसियरिटी थोड़ा सा रखिए समझिए क्लास फ्लो में चल रही होती तो इससे क्लास डिस्टर्ब होता है ठीक है चलिए अब आते हैं यहां पर तो आपने देखा आइए देखते हैं डॉकिंग ऑफ फर्स्ट शिप एट विजिंगजान पोर्ट टू बी द डिलेड ए बाई टेन डेज एक न्यूज रहा है और ये चर्चा में रहा है जो आपको मैं यहां पे बताना चाह रही हूं क्या न्यूज रहा है और ये क्या चर्चा में रहा है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ठीक है ना वाई दिस इज इन न्यूज देखेंगे द कार्गो वेसिल नेम्ड जेंजुआ जो है यहां पर पंद्रह स्टार्टेड फ्रॉम शंघाई पोर्ट इन चाइना कैरिंग फाइव क्रेन इंक्लूडिंग वन क्वे क्रेन टू नीडेड फॉर विजियांग जो है यहां पर विजिंग जाम पोर्ट ऑन अगस्त इकतीस अब आप सोचेंगे कि मैं किसके बारे में बता रही हूं और ये चर्चा में वाई दिस इज इन न्यूज ये न्यूज में क्यों रहा ठीक है ना सबसे पहले ये देखेंगे तो देखिए इसका नाम है विजिंझम क्या नाम है इसका विझिंझम हाँ इसका नाम ही क्या है आपको विझिंझम अब विझिंझम क्या है भाई ये क्यों चर्चा में रहा है यहां आ जाइए तो विजिमदन जो आप देख रहे हैं जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ इंटरनेशनल जैसा साउंड कर रहा है ना सुनने में कैसा लग रहा है इट साउंड्स लाइक सम इंटरनेशनल कुछ बंदरगाह होना चाहिए ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को सुनकर के तो विजिंझम के बारे में अगर बोला जाए तो ये चर्चा में क्यों रहा वाई दिस इज इन न्यूज ये क्यों चर्चा में रहा तो आइए इसके बारे में देखते हैं विजिंझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ये जो बंदरगाह है पहले जहाज की डॉकिंग को हाल ही में स्थगित करी ये बेसिकली इससे रिलेटेड एक न्यूज आया था जो मैं आपको से बात कर रही हूँ कि यहां पर मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रही हूं देखिए विजेंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में समझिएगा सो बेसिकली ये इंडिया से बाहर नहीं ये भारत में ही है ये बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है और यह एक तटीय शहर विजिमजम में स्थित है मुख्य रूप से बहुउद्देशीय और ब्रेक बल्क कार्गो के अलावा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है सो बेसिकली व्हाट यू कैन सी लोकेशन इट इज लोकेटेड एट विजिंगजम अ कोस्टल टाउन है विजिमझम बच्चों, जो कि कहां पर है इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला इट इज डिजाइंड प्राइमरली टू केटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बिसाइड मल्टीपर्प एंड ब्रेक बल्को तो के बारे में एक बार देख लीजिएगा हाँ जी के बारे में अगर मैं आपसे ये ये कहूं कि ये क्या है एक विजिंग बंदरगाह है और यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का मतलब भी हो गया कि यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिसको कह लीजिए कि ट्रांस जो है यहां पर हमारा व्यापार जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोस्टल इस पे अगर बोला जाए तो ये यहां पर काम या यहां से ट्रेड एंड कॉमर्स का काम यहां से होता है ठीक है सिचुएटेड कहां पे है दिस इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम यहां पर हम देख रहे हैं ये केरला में है दैट्स वही क्या है ये न्यूज में रहा पे है ठीक है ना ये इसके बारे में अगर कहा जाए अब बात करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विजिमडम जो हम देख रहे हैं यहाँ पे पोर्ट के बारे में इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो आइए इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं इट इज यहां आ जाइए इज़ द सबसे पहले देखेंगे आइए ठीक है इट इज द ओनली ट्रांस शिपमेंट हब इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्लोजेस्ट टू द इंटरनेशनल शिपिंग रूट एंड इज सेंट्रली लोकेटेड ऑन द इंडियन कोस्ट लाइन तो ध्यान से देखिएगा इसके बारे में कि क्या है कह रहा है यहां पे कि ये एक जो है ओनली ट्रांसशिपमेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में एक मात्र ट्रांसशिपमेंट हब है जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के सबसे करीब है और भारतीय समुद्र तट के केंद्र में स्थित है भारत का लगभग 95 परसेंट ट्रेड एंड कॉमर्स जो हम लोग देख पा रहे हैं ये कहां से हो रहा है तो 95 परसेंट का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है मूल्य के लिहाज से यह विदेशी व्यापार का 70 प्रतिशत जो है बैठता है तो अब आप सोच सकते हैं कि विजिंगजम के बारे में अगर मैं बोलूं आपसे यहां पर यश श्रद्धा गुड मॉर्निंग यस विजिंगजम के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर तो आपको क्या यहां पर दिख रहा है कि भारत का एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब हाँ है जहां से प्रॉपर वे में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बड़ी संख्या में जिसमें कि हमें क्या है काफी बेनिफिट होता है बड़ी संख्या में हमें यहाँ पर जो है यहाँ पे बेनिफिट और उस व्यापार वाणिज्य के हिसाब से भी क्या है के हिसाब से भी क्या है इसका अपना महत्व है तो विजिंगजम जिसके बारे में हमने बात किया कि दिस इज वन एंड ओनली ट्रांसशिपमेंट जो है यहाँ पर जो कि भारत का एकमात्र क्या है अंतरराष्ट्रीय इसके संदर्भ में अगर कहा जाए तो ट्रांसशिपमेंट हब है दिस इज वन एंड ओनली ट्रांसशिपमेंट हब ठीक है और मेनली ये क्या है कि जितना भी इंटरनेशनल शिपिंग रूट है ये उसके करीब है और एकदम बिल्कुल सेंटर में ये क्या है अवस्थित है दैट्स वाई विजिंगजम इज इंपॉर्टेंट इसीलिए विजिंगजम का क्या है अपना महत्व है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाँ जी यहाँ तक क्लियर है यस yes, पायल गुड मॉर्निंग अच्छा सुनिए प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा जितने लोग भी क्लास में जुड़े हुए हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस क्लास जी और मैं बार बार कहती हूँ चैट मत ऑफ करिए क्लास में बने रहिए जितने लोग भी हैं सो प्लीज क्लास में आप सब क्या किया कीजिए कि आप सब लोग बने रहिए चैट मत ऑफ कीजिए चलिए है ना यहां तक क्लियर है आप सबको एक बार प्लीज बता दीजिएगा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये क्लियर है आप सभी को सो प्लीज डू लेट मी नो विजिंगजम के बारे में हमने बात किया विजिंगजम का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इसका महत्व है उसके संदर्भ में हमने यहां पे क्या किया है आपसे डिस्कस की है ठीक है ना और देखिए यहां पे अगर ममता अगर बात किया जाए तो ट्रांसशिपमेंट अगर कहा जाए तो लगभग हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे काफी क्या है बेनिफिट है और बड़ी संख्या में क्या है हमारे पास यहां देखेंगे कि अगर बोला जाए कि करेंटली सीनैरियो क्या है यहां पर सो so रिसेंटली भारत के पास गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसिश्मन टर्मिनल नहीं है और यह कोलंबो सिंगापुर और सलाला बंदरगाह पर निर्भर है तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें सो वॉट वी कैन सी दैट करेंटली इंडिया डज नॉट है डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एंड डिपेंड ऑन कोलंबो सिंगापुर एंड सलापुरान परिस्थिति करेंसी एंड रेवेन्यू एस्टिमेटेड अबाउट टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड करोड़ अयर जिसके कारण हम लोगों को लगभग जो है अनुमानित है कि पच्चीस सौ करोड़ का हमें क्या होता है यहां पर हानि होता है जो कि आप देख सकते हैं क्योंकि हम उस पे क्या है अभी हम उस पे क्या है यहां पे कहीं ना कहीं से डिपेंडेंट है आप देख सकते हैं ओके okay है चलिए अब आगे बढ़े हम लोग यहां पे आइए अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज में क्या रहा है चर्चा में क्या रहा है यहां देखेंगे ब्रेंट क्रूड के बारे में बात हो रही है क्या है ये ब्रेंट क्रूड यहां पर आइए देखते हैं न्यूज में रहा चर्चा में रहा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट यू हैव टू नो हाउ राइजिंग ऑयल प्राइसेस कैन इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी तो सबसे पहले देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव शॉर्ट जून, ब्रेंट क्रूड हैज जम्प्ड to a 10 months high and bridged dollar 93 barrel in a mid september it has averaged dollar 83.5 in the past year both Reuters and ei have raised brent forecasts देखिए ये जो न्यूज़ में रहा है वो ये रहा है कि प्राइस क्या हो रहा है हाई हो रहा है किसके संदर्भ में हाई हो रहा और इसका क्या नुकसान हो रहा है और क्या-क्या इसके जो इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे आइए लेट्स कम टू द न्यूज़ अब आते हैं हम लोग न्यूज़ के आते हैं न्यूज़ के ऊपर और चर्चा करते हैं न्यूज के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट बातें रही हैं। देखिए हाल ही में ब्रेंट क्रूड जो है ये दस महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है जो कि डॉलर तिरानवे बैरल को पार कर चुका है ओके सो ब्रेंट क्रूड रिसेंटली जम्ड टू अ टेन डॉलर जो है टेन मंथ हाई एंड ब्रिजड नाइन्टी थ्री जो है डॉलर बैरल आ, यहां पर एक चीज और समझिएगा कि ये जो चर्चा में रहा ब्रेंट क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल मतलब समझ रहे होंगे कच्चा जिसको तेल बोलते हैं यह सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है और दुनिया भर की तेल की कीमतों को यह परिभाषित करता है ब्रेंट का मतलब ही होता है तेल क्षेत्र को संदर्भित करता है 1970 से लेकर के इसमें खोजा गया था और यह तेल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है सो बेसिकली व्हाट इज अ ब्रेंट क्रूड के बारे में अगर बोला जाए तो है क्या देखिए इट सर्व एज द मोस्ट वाइडली यूज बेंच मार्क डिफाइंस ऑयल प्राइसेज अराउंड द वर्ल्ड और द टर्म ब्रेंट जो है ये रिफर्स टू द ब्रेंट ऑयल फील्ड विच वॉज डिस्कवर्ड इन नाइनटीन एंड बिकम सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है बेसिकली ये काम ये किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तो तेल के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है और वैश्विक लेवल पे अगर कहा जाए पूरे विश्व स्तर पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका प्रयोग जो है यानी इसको परिभाषित करने के लिए कि तेल का किस प्रकार से कितना आयात निर्यात हुआ कितना किस लेवल पे इसकी जो है कंडीशन पहुंची इसके संदर्भ में यह हमें जानकारी मिलती है आइए जी अब देखते हैं यहां पे अब देखेंगे आ, यहां देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार होने वाले जो कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग दो तिहाई हिस्सा ब्रेंड के सापेक्ष तय किया जाता है ओके यानी जिससे यह या सभी में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मार्कर बन गया है मार्कर समझ पा रहे हैं आप लोग सो वॉट इज दैट एक तरह से बेंच मार्क है ना तो यहां पर क्या कि ये जो नॉर्थ सी हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न तेल क्षेत्रों से निकाला गया और उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका एक अपना क्या है महत्व है ठीक है ऑलमोस्ट अबाउट टू थर्ड ऑफ इंटरनेशनल हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल सप्लाईज है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है वो आपको ब्रेंट के रूप में ही तय किया जाता है और ये सभी सबसे व्यापक रूप से जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि तय किया जाने वाला मार्कर एक बेंच मार्कर आपने अभी पढ़ा कि एक बेंच मार्कर के तौर पर हम लोग क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं नॉर्थ सिर में यहां पर देखेंगे यहां पर इसके बारे में बताया गया है यहां पे ठीक है ना इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज लो डेंसिटी एंड लो सल्फर कंटेंट मेक ब्रेंट क्रूड ऑयल सिंपलर टू प्रोसेस इन टू प्रोडक्ट सच एस गैसोलिन इसके कुछ अपने गुण हैं गुण का मतलब ये हुआ कि इसके अपने कुछ फीचर्स हैं जो इसको क्या बनाते हैं विशिष्ट बनाते हैं क्रूड ऑयल में जैसे अगर ये कहा जाए तो यूनिक प्रॉपर्टीज में क्या है इसका तो यूनिक प्रॉपर्टीज में ये है बच्चों की इसका लो डेंसिटी है ठीक है ना उसके अलावा क्या है लो सल्फर लेवल है यहां पर इसके इसमें कंटेक्स में अगर बोला जाए और यही कारण है कि ये कच्चे तेल को गैसोलिन से का जो जैसे उत्पादों में संसाधित करना आसान बना देता है इससे कहीं ना कहीं से चीजें और क्या हो जाती है इजी हो जाती है तो ये इसके अपने ओन प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में बात हो रही है ठीक है ना अब चूंकि इस आपूर्ति जल आपूर्ति जनित है ब्रेंट कच्चे तेल को दूर दराज के स्थानों तक ले जाना आसान है इज इट क्लियर कि ब्रेंट क्रूड ऑयल है क्या ये क्लियर है आप सबको तो देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दैट इट हैज सम सम जो जो है इसका कह सकते हैं कि स्पेशल प्रॉपर्टीज इसको क्या बनाता है इसको और बेहतर बनाता है बेहतर इसका मतलब ये हुआ एक तरह तो से कह लीजिए लाइट बनाता है एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें क्या है इसमें अगर बात किया जाए तो लो सल्फर लेवल है और उसके अलावा क्या लो है लो डेंसिटी है दैट्स वाई ये ले जाना और ले आना है ना प्रोसेस करना है इस सब में ये क्या हो जाता है आसान हो जाता है तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेंट क्रूड ऑयल जिसके बारे में आप लोग पढ़ रहे थे ठीक है ना और इसका जो ब्रेंट क्रूड ऑयल आप जे देख रहे हैं इसका प्राइस हाइक होने के डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं जैसे कि सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स जियोपॉलिटिकल इवेंट्स प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे आप लोगों को याद होगा रशिया यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था तो उस टाइम पर जो तेल जो थे पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो थे वो क्या हो तो गए थे बढ़ गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं से क्या हुआ जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रप्शन आया सो दैट्स वाई दैट वॉज नॉट इजिली अवेलेबल फिर वो हम लोगों के पास इजिली अवेलेबल नहीं हो पाया जिसके कारण समस्याएं आई तो ये देखा जाता है कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन यानी किसी भी चीज का अगर उत्पादन हो रहा है उसका प्रोडक्शन अगर सही तरीके से हो रहा है उसमें अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है तो वो इजिली क्या होगा आपको वो इजिली अवेलेबल होगा और उसकी जो प्राइस है वो क्या रहेगा स्टेबल रहेगा प्राइस स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम तब आता है जब डिमांड और सप्लाई को लेकर के समस्याएं आ जाए किसी तरह का वॉर जोन क्रिएट हो जाए है ना या फिर कोई युद्ध हो जाए जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है प्राइसेस हाइक हो जाएंगे याद करिएगा कि उस टाइम पर जब वॉर चल रहा था तो मैंने देख रही थी कि बहुत सारे लोग जाकर के क्या कर थे अपना जो गाड़ियों के फुल टैंकर भरवाना शुरू कर देते थे कि पता नहीं अभी कितना प्राइस हाइक होने वाला है शायद में भी आप लोगों को ये मालूम होगा या आपने ये देखा होगा कि ये कंडीशन क्रिएट था ये उस पर चल रहा था लोग जा जा करके अपनी टंकियां फुल करवा रहे थे गाड़ी की कि क्या पता हो सकता है और कहीं ना प्रॉब्लम हो जाए <laughs> हाँ तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें डिपेंड करता है समटाइम कि प्राइस जो है ना ये हाइक होता है जो है सरकम के कंडीशन पे भी कि क्या कंडीशन है क्या जियोपॉलिटिकल कंडीशन है कुछ इस तरीके का कोई कंडीशन तो नहीं क्रिएट हो गया जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन आ सके ओके okay है तो सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेंट क्रूड ऑयल जिसके बारे में आपने पढ़ा ठीक है ना हाँ ये आ, अब स्वीट क्रूड क्या है यहां देख लेंगे इट रेफर्स टू टू क्रूड ऑयल दैट दैट एक्सट्रैक्टेड इज फाउंड कंटेन वेरी लो अमाउंट्स ऑफ सल्फर स्वीट क्रूड ऑयल इसको बोलते हैं जिसमें कि बहुत ही कम अमाउंट में सल्फर पाया जाता है दैट इज नोन एज द तो ये भी एक क्या है यहां पर तो ये अलग अलग बेंचमार्क है क्रूड ऑयल के जिसके बारे में बात हो रही थी चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज तक यहां तक क्लियर है आप लोगों को कि दैट व्हाट इज ब्रेंट क्रूड ऑयल और डियर ऑल स्टूडेंट क्लास को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए ओके यस डियर ऑल स्टूडेंट प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए और क्लास से कहीं मत जाइए मैं पहले बोल दे रही हूं आप सबको बने रहिए और हाँ एक चीज और है सुनिए अब जो आप लोगों को पीडीएफ मिल रहा था तो अब पीडीएफ के लिए आप लोग एक काम करेंगे पीडीएफ के लिए आप लोग अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का एप डाउनलोड कीजिए वहीं से आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिल पाती है मेरी क्लास का पीडीएफ सो काइंडली डू वन थिंग कि आप लोग जो है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप डाउनलोड कीजिए वहीं आपको इस क्लास का ये जो हाईली इंफॉर्मेटिव जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा चलिए हो गया हो गया यहां तक अब आइए देखते हैं अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए योजनाएं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एस एंड अदर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द एस स्टूडेंट ये चर्चा में रहा अब ये क्या है चर्चा में रहा यहां पर एक बार देख लीजिएगा जी ये एक बार देख लीजिएगा कि वाई दिस इज इन न्यूज ओके वाई दिस इज इन न्यूज यहां पर देखेंगे तो अनुसूचित जाति यानी कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये न्यूज़ में रहा है प्री मैट्रिक और उसके अलावा क्या है पोस्ट मैट्रिक सबसे पहले तो प्री मैट्रिक व्हाट द मीनिंग ऑफ प्री मैट्रिक ये समझ लीजिए देखिए भाई प्री मैट्रिक का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक की परीक्षा से पहले ठीक है ना मैट्रिक की परीक्षा से पहले ठीक है पोस्ट मैट्रिक तो यानी कि मैट्रिक की परीक्षा के पश्चात अच्छा ठीक है ना अब देखिए यहां पर आते हैं यहां पर बात करते हैं कि क्या है अब उसको हो सकता है कि आपको न्यूज के तौर पे वो ना दिख रहा हो तो ज्यादा परेशान मत होइए कि मैम दिख नहीं रहा है डोंट वरी अबाउट दैट उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है आपको मैं यहां बता रही हूं आई एम हियर फॉर यू अब यहां पर बात करेंगे कि क्या है ये ठीक है ना तो यहां देख लीजिएगा स्पेशली द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एस एंड अदर्स पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एस स्टूडेंट हैज बिन रिवाइज बेसिकली हुआ क्या है कि अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं और उनके लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ही पोस्ट मैट्रिक इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक की परीक्षा जिसको हम लोग टेंथ का बोर्ड बोलते हैं ना उसी को कहते हैं प्री मैट्रिक कहते हैं और टेंथ की बोर्ड की परीक्षा के, के बाद आपको पता है कि प्लस टू करने जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट मैट्रिक तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो छात्रवृत्ति दिया जाता है उसको संशोधित किया गया इट मींस इट इज रिवाइज अब क्या क्या क्लॉजेज है ये देखेंगे यहां पर तो देखिए यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्या है? हम लोग देख रहे हैं यहां पर शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है सो वॉट इज दैट एग्जैक्टली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है इट मींस यहां पर अगर बात किया जाए तो ये राज्य द्वारा जो है संपोषित न होकर केंद्र द्वारा संपोषित है स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ठीक है ऑब्जेक्टिव अब बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है प्रोमोटिंग लिटरेसी एंड अन इंटरप्टेड एजुकेशन एट द प्री मैट्रिक लेवल फॉर द चिल्ड्रेन बिलोंग टू शेड्यूल कास्टेड एंड चिल्ड्रेन ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन हु आर एंगेजिंग इन अनकलीन हजार्डस ऑक्यूपेशन समझिएगा यहां पे यानी इसके मामले में आपको थोड़ा सा समझना है कि खास तौर से वैसे वैसे पेरेंट्स जो बहुत ही एक तरह से कह लीजिए कि जो आप ये कह सकते हैं कि उनके अभिभावक जो हैं जिनके माता पिता वो बहुत ही जो बहुत ही हजारत इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह के ऑक्युपेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं या जो उसमें संलग्न है जिनको जिनके पास हम लोग क्या देख रहे हैं कि आय उनकी क्या है बहुत ही कम है तो उनके बच्चों को आगे की पढ़ाई उनकी रुके नहीं उनके लिए सरकार द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ये योजना है और ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर तो ये सामाजिक न्याय जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा

एससी जो है यानी उससे बिलोंग करते हैं उन बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं इसके लिए क्या है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक क्या मिलता है छात्रवृत्ति इट स्कॉलरशिप यहां पर दिया जाता है है ठीक ना तो ये कोशिश किया जा रहा ताकि इनका स्कूल में या फिर कह लीजिए कि पढ़ाई में या एजुकेशन में इनका क्या हो सके काफी ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़े है ना उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े और उनकी स्थिति में पहले से क्या हो सुधार आए देखिए किसी भी समुदाय या किसी भी कम्युनिटी या किसी भी में अगर बदलाव लाना है ना तो एक ही बदलाव अपने आप में सबसे बड़ा होता है दैट इज कि आप गिव देम एजुकेशन आप उनको एजुकेशन देंगे अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी सुधर जाएंगी आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है वो उ, सुधरेगा अगर सामाजिक स्तर पर हम पिछड़े हुए हैं वो भी क्या होगा सुधरेगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आप देखेंगे कि बहुत पैसा है 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 ठीक ना बट वो मानसिक रूप से क्या क्या पिछड़े हुए हैं अब what about them? अब अबाउट देम उनके बारे में क्या किया जा सकता है? कि भाई कहने के लिए पढ़े तो कहने के लिए तो पैसा तो ऊपर वाले ने बढ़ा दिया है उनके पास बहुत अमीर है लेकिन दिमागी रूप से क्या है दिवालिया है अब वैसे इसका मतलब है कि शिक्षा की कमी है भाई इनके पास पुश्तैनी पैसा है लेकिन कभी भी एजुकेशन के प्रति इनका झुकाव नहीं रहा तो कोई भी सोसाइटी एक चीज समझिएगा कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि हम पैसे के लेवल पे हम बहुत ज्यादा क्या है हम एडवांस हैं या प्रो वर्जन है बिल्कुल नहीं ठीक है कोई अगर ये कहता कि हम शिक्षा के लेवल पर हम एडवांस हैं और जो है तो अगर आप शिक्षित हो करके वास्तव में अगर एडवांस कहा जाए ना तो एक शिक्षित व्यक्ति समाज में परिवर्तन का अग्रदूत होता है आप सब लोग इतिहास भी पढ़ते हैं सो बेसिकली दोज हु आर एजुकेटेड अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप समाज में वाकई में क्या करेंगे चेंज लाने के लिए एक रोल मॉडल आप बनेंगे है ना तो शिक्षा इसका एक बहुत बड़ा क्या होता है टूल होता है कलम से क्रांति जिसको कहते हैं ना तो कलम से ही क्या होती है बच्चों क्रांति आती है ठीक है जी इज इट क्लियर हाँ जी इज इट क्लियर यहां तक क्लियर है आप सभी को अरे भाई क्लास को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए क्लास को देखिए रीच थोड़ा सा बढ़ा दीजिए क्लास की आप सब लोग क्योंकि आप सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे क्या होगा क्लास जो है आगे की ओर जाएगा तो जल्दी से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप सब लोग जितने लोग भी हैं सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके चलिए यहां तक क्लियर है आप सबको यहां पर तो ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं जितने लोग भी क्लास में है बच्चा लोग प्लीज क्लास को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आइए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट न्यूज क्या रहा आपका न्यायमूर्ति मित्तल समिति आइए देखते हैं कि क्यों चर्चा में रहा है ना ये जो कमिटी है डू नॉट इंटेंड यहां देखिएगा डू नॉट इंटेंड टू रन मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन स्क्रैप गीता मित्तल कमिटी और यू कैन ट्रस्ट इट सीजेआई टेल्स पेटिशनर आइए देखते हैं क्या रहा चर्चा में और ये क्यों रहा वाई दिस इज इन न्यूज तो सबसे पहले क्या देखते हैं द बेंच डायरेक्टेड द आई टू प्रोवाइड आधार कार्ड टू द पर्सन है वायलेंस प्रोवाइडेड रिकॉर्ड वे आर ऑलरेडी विद द ऑथोरिटी अब आइए यहां पर बात क्या करते हैं कि ये क्या है और इससे रिलेटेड यहां पर क्या संदर्भित है मामला है ना Uh, मेरी हिस्ट्री क्लासेस जल्दी ही आने वाली है यस yes, जल्दी ही मेरी हिस्ट्री क्लासेस माय हिस्ट्री क्लासेस विल बी रिज्यूम सून जल्दी स्टार्ट होगा सो डोंट वरी अबाउट दैट आइए यहां पर देखते हैं क्या है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज पिटिशनर्स इन द मणिपुर एथनिक वायलेंस केस टू ट्रस्ट द जस्टिस गीता तो तो सबसे पहले तो यहां देख लीजिएगा कि कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है मणिपुर में जो जातीय हिंसा हुई थी इसमें याचिकाकर्ताओं से न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति पर भरोसा करने को कहा है कि आप ट्रस्ट करिए गीता मित्तल समिति पे तो सबसे पहले यहां देखेंगे क्या है गीता मित्तल समिति जो है यह है क्या और मणिपुर वायलेंस जो हुआ है मणिपुर वायलेंस से संदर्भित इनका क्या संबंध है या फिर इनका क्या जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका क्या महत्व है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास घरों धार्मिक स्थलों की बहाली में हस्तक्षेप करने और निगरानी करने के लिए किया गया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द गीता मित्तल कमेटी सो इट वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इंटरवेन एंड मॉनिटर रिलीफ एंड रिहेबिलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ होम स्टेट्स रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड ओवरसीज रिलीफ पे और ऑब्जर्व एंड रिहेबिलेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ वायलेंस इन मणिपुर तो बेसिकली यहां समझ लीजिएगा इस कमिटी के गठन का के पीछे का कारण ये रहा कि मणिपुर में जो हिंसा की घटना आपने देखी थी है ना मणिपुर में मई से ही हम लोग क्या देख रहे थे कि मई मणिपुर काफी डिस्टर्ब रहा और मणिपुर में इस दौरान बड़े स्तर पर क्या हुआ है लोगों के घर जो है लोगों से लोग जो है अपने घरों से बेघर हो गए हैं ठीक है उनके कई सारे जो धार्मिक स्थल है वो क्या हो गए बहुत सारे जगह जो है वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया उस दौरान तो जितने भी इस तरह के स्पेशली जो लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं उनकी हिंसा से पीड़ित जो लोग हैं उनकी राहत और पुनर्वास के संदर्भ में बेसिकली क्या करना इंटरफेयर करना और उनकी निगरानी करने के लिए इस कमिटी को बनाया गया है इस कमिटी का नाम है न्यायमूर्ति गीता मित्तल कमिटी समझ में आ गई बात सो बेसिकली दिस कमिटी इज नोन एज द यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जस्टिस गीता मित्तल कमेटी व्हिच इज रिलेटेड टू मणिपुर वायलेंस और स्पेशली मणिपुर वायलेंस में क्या है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गठित की गई ये कमेटी और मेन पर्पस ये है कि जो भी अफेक्टेड पीपल हैं वहां पर मणिपुर में उनके पुनर्वास उनके रिहेबिलेशन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप करना और उसकी निगरानी करना सो बेसिकली दिस इज न्यायमूर्ति गीता मित्तल कमेटी इज ए क्लियर हाँ जी ये क्लियर है आप सभी को तो इनसे रिलेटेड कुछ चीजें और लकी जान लेंगे कि यह तीन सदस्यीय कमेटी है इट इज अ थ्री मेंबर कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल ठीक है ना तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह तीन जो है यहां पर सदस्यीय क्या है समिति है और जिसकी अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर के न्यायालय की, की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जी कर रही हैं ठीक है ना माननीय गीता मित्तल जी के द्वारा किया जाएगा इसमें जो अन्य दो सदस्य हैं जस्टिस शालिनी फंड फंडसलकर जोशी जी हैं और आशा मेनन जी हैं तो न्यायमूर्ति यहां देख सकते हैं तो इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का नाम है गीता मित्तल कमेटी ठीक है ना समिति की जो रिपोर्ट आई है यहां देखेंगे इट हाईलाइटेड द लॉस ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ मणिपुर हु हैव बीन डिसहाउस्ड द बेंच डायरेक्टेड द यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो यू आई डी टू प्रोवाइड आधार कार्ड टू पर्सन Who have been displaced during the violence provided their records were already with the authority. देखिए जो वॉयलेंस जो हिंसा की घटना घटी अब देखिए कहते ना लोग कि इस तरह के जो भी यहाँ पर अगर बात किया जाए घटनाएं इस तरह की जो भी घटती हैं इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या होता है सबसे बड़ा लॉस होता है जो वहां के स्थानीय निवासी हैं अब देखिए बहुत सारे लोगों के घर जला दिए गए बहुत सारी समस्याएं आई तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों के जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या हो गए इधर उधर हो गए है ना अब उनके पास उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि तो ऐसे कंडीशन में वट वी कैन सी कि इनको फिर से एक तरह से गीता मित्तल कमेटी जो है ये जो इन निवासियों को जो नुकसान पहुंचा है इस तरीके के तो उसके लिए क्या करना उस पर फोकस किया गया है और ये भी कहा गया कि जो इनका विशिष्ट पहचान प्राधिकार जैसे कि हम लोग आधार के बारे में बात करते इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए जल्द से जल्द चूंकि ये रिकॉर्ड ऑथोरिटीज के पास तो ऑलरेडी रहता है यूआईडीए नंबर जो है यहाँ पे तो यही बात हो रही है कि इन सब को जो 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 चीजें इनकी लुप्त हो गई हैं या लुप्त क्या जो बर, जो उस दौरान हिंसा के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना पूरी तरह देखिए ये तो नहीं लेकिन हाँ जो डॉक्यूमेंटेशन के संदर्भ में अगर कहा जाए तो उस पर वर्क करने की बात की जा रही है इज इट ओके तो गीता मित्तल कमेटी इसी से क्या है रिलेटेड है इज इट ओके क्लियर है ये आप सबको हाँ जी यहां तक तो क्लियर है जल्दी से बता दीजिए इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू यहां तक क्लियर है आप सबको हाँ जी जल्दी बताइए यहां तक क्लियर है आप सबको यहां पे चलिए ओके है तो गीता मित्तल कमेटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो आपने समझ लिया कि गीता मित्तल कमेटी क्या है, जो है किससे संदर्भित है और इनका क्या अभी यहाँ पे अब आते हैं आइए एक न्यूज में रहा है सिट्रॉन एक गोलाकार आर वायरस है सिट्रॉन आइए देखते हैं ये न्यूज में वाई दिस इज इन न्यूज सिट्रॉन जो है ये न्यूज में क्यों रहा न्यूज क्यों चर्चा में रहा यह इसके बारे में देखेंगे सिट्रॉन हाल ही में भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक सर्कुलर आकार का आरएनए जिसका नाम सिट्रॉन है इसकी पहचान की है सो व्हाट वी कैन सी रिसेंटली यस रिसेंटली द रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन भोपाल हैव आइडेंटिफाइड अ सर्कुलर ए वायरस जिसका नाम क्या है सिट्रॉन ओके okay है अब आइए देखते हैं इसके बारे में तो एक बार यहां पर देख लीजिएगा यहां रहा जो इमेजेस आपको दिख रहा है यहां पर सी यहां पर लिखा हुआ आई आई एस भोपाल साइंटिस्ट तो अभी आप देखेंगे कि क्या है ये सिट्रॉन के बारे में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द दिट्रॉन सो व्हाट इज दिस ये है क्या और सिट्रॉन के संदर्भ में तो देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये पता किया गया है ठीक है ना यस भोपाल है एक सर्कुलर आरएनए वायरस है जिसको यहां पर क्या किया गया रिसर्च किया गया या इसको खोजा गया है यहां पे हाँ जी तो देखिए जितने लोग भी आप लोग अगर बायोलॉजी अगर पढ़ते होंगे तो उसमें आप लोग पढ़ते होंगे व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए आरएनए क्या इसका रोल है ठीक है ना इसके बारे में अगर बात किया जाए सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या है ये तो आइए देखते हैं यहां पे ये तो आपने देखा कि भाई ये रिसर्च हुआ है और हम देखेंगे राइब्रो यहां देखेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अब ये जो है, ये जो है है क्या सो इट इज इन लिविंग सेल्स दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंडलाइक डीएनए हाउ एवर आरएनएस्ट ऑफन सिंगल स्टैंडर्ड देखिए बेसिकली ये जीवित कोशिकाओं में एक अनु है जो आनुवांशिक जानकारी रखता है और प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है हालांकि डीएनए के विपरीत आरएनए अक्सर एकल युग

ठीक है जहां पर डीएनए के विपरीत अगर बात किया जाए तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है है ना यहां पे अगर बोला जाए तो आरएनए की एक विशेषता ये है कि दैट सिंगल स्टैंडर्ड ये ध्यान रखना है व्हाट इज डिफरेंसेस इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए ठीक है जी तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर देखेंगे यहां पे while most rnas have a linear structure with free ends and a unique type known as the circular rna forms closed loop its role in hiv1 replication has remained unclear for a long time एच आई वी वन की प्रतिकृति में इसकी भूमिका लंबे समय तक अस्पष्ट रही है और आज भी साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कर रहे हैं पता कर रहे हैं सो बेसिकली आर एन ए के बारे में अगर कहा जाए तो इसका जो एंड होता है जो सिरा होता है सिरा मतलब होता है जहां ये समाप्त होता है तो इसका जो एंड है वो रैखिक संरचना है और ये एक अलग तरीके का क्या करता है यहाँ पे जिसे परिपत्र आर एन ए के रूप में हम लोग जानते हैं विथ यूनिक टाइप नोन एज द सर्कुलर जिसको कि ये इस तरह का यहाँ पर दिखाई देता है एच आई वी वन में इसकी भूमिका जो है अगर कहा जाए दैट इज कि नॉट क्लियर अबाउट दैट कि ये कैसा है लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इसकी भूमिका देखिए स्पष्ट होना लेकिन लेकिन क्या देख रहे? अस्पष्ट, राइब्रो न्यूक्लियक एसिड और अभी आप जो आर एन ए के बारे में पढ़ रहे हैं तो भोपाल के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अभी सर्च किया है इसमें आप क्या देख रहे हैं यहां पे? तो भोपाल के साइंटिस्ट ने यहाँ पे डेवलप नोवल मॉलिक्यूल दैट कैन हिंडल वायरल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एच आई वी वन जो है वायरस तो यहां पर आप देख सकते हैं यही इससे रिलेटेड क्या है जो न्यूज है कि आरएनए का हम लोग क्या देख रहे हैं सर्कुलर आरएनए इन्होंने क्या किया है यहां पर ढूंढा है ओके चलिए जी अब आते हैं यहां पर अब एक बार देखेंगे यहां पर यह क्या है वन सेकेंड वन सेकेंड ये क्या है यहां पर एचआईवी वन गुन में वन सेकेंड वन सेकेंड स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिट्रॉन्स रोल इन एच आई वी वन मल्टीप्लीकेशन रिप्रेस मेजर ब्रेक थ्रू इन एच आई वी रिसर्च द न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायरल मेकानिजम एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग वायरल ट्रांसक्रिप्शन ब्रिंग यू अस वन स्टेप टू क्लोजर टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एच आई वी वन एंड पोटेंशियल देखिए बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इसके रहने से यानी इसके बारे में जो अभी अनुसंधान हुए हैं कि इनका कहना है कि ये एच आई वी वन में जो गुणन में सिट्रॉन का जो पहचान होता है उससे एच आई वी के रिसर्च में मदद मिलेगी और ये वायरल तंत्र की एक नई समझ जो है वो क्या करेगा समझने में हमें मदद करेगा स्पेशली एच आई वी वन टाइप में ठीक है ना वन सेकेंड इज इट ओके इज इट ओके दैट वॉट इज यहाँ पर जो हमने देखा है डब आई आई एस के द्वारा जो जो यहाँ पर अभी रिसर्च किया गया है जो ढूंढा गया है भोपाल में सर्कुलर आर एन ए जिसको कि सिट्रॉन जिसको कहा जा रहा है क्या सर्कुलर आर एन ए सी आई टी आर ए एन सर्कुलर आर एन ए जो कि आपने अभी देखा गया है और ये एच आई वी वन के रिसर्च में मदद करेगी इट विल डेफिनेटली हेल्प जो है ये शोध करने में कहीं ना कहीं से क्या करेगा और ज्यादा मदद करेगा इज इट क्लियर यहां तक क्लियर है आप सबको यस इज इट क्लियर तो चलिए अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर फटाफट अब नेक्स्ट पे मुकुतर थी जो है राष्ट्रीय उद्यान ये क्या वाई दिस इज इन न्यूज ये चर्चा में क्यों रहा है Uh, यहाँ देख लीजिएगा कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूज हैं जो आपको अब थोड़ा सा देखना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे मुकुतर्थी जो है मुकुर्थी uh, राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम कोने में नीलगिरी के पठार में हम क्या देख रहे हैं दिस इज सिचुएटेड इसकी प्रमुख प्रजाति नीलगिरी ताहर है जिसकी रक्षा के लिए बनाया गया है सो वाई दिस इज फेमस दिस पार्क इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट की स्टोन स्पीसीज इन नीलगिरी ताहर ये एक बार आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है नीलगिरी ताहर के बारे में कि नीलगिरी ताहर क्या है इसके बारे में तो मुकुर्थी जो है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के बारे में आपको ये जानना है सो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द की स्टोन स्पीसीज नीलगिरी ताहर कई बार पूछ देते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस रहा है ठीक है ना तो इसके बारे में मैंने आपको यहां पे बता दिया कुछ कुछ जो न्यूज रहे हैं अलग अलग और अब जैसे साइके मिशन व्हाट इज साइके मिशन जर्नी टू दाइकी सिक्स एंड कवर अप्रॉक्सिमेटली थ्री पॉइंट सिक्स बिलियन किलोमीटर अब देख सकते हैं यहां पर नासा जो है एक साइकी मिशन जो है ये स्टार्ट करने वाला है और इसका उद्देश्य क्या होगा यहां देखेंगे सबसे पहले तो साइकी अंतरिक्षयान साइकी नामक जो धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए एक अभूतपूर्व मिशन पर जाने के लिए तैयार है सो बेसिकली नासा साइकी स्पेस क्राफ्ट इज सेट टू ऑन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन टू एक्सप्लोर मेटल रिच एस्ट्रोय नेम साइकी ये जो आप देख रहे हैं क्षुद्र ग्रह जिसमें क्या है मेटल रिच यानी यहां पर क्या है साइकी साइकी का मतलब ये हो गया यहाँ पे बेसिकली कि ये साइकी इसका नाम रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि आ, ये सर्च करने वाले हैं यहां पर धातु है है ना इस शुद्र ग्रह पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि धातु समृद्ध यानी धातु से समृद्ध है और इसी के बारे में ये पता करने के लिए जाने वाले हैं ठीक है ना लगभग लगभग बोला जा रहा है कि शूद्र ग्रह जिसे साइकी भी कहा जाता है कि यात्रा लगभग छह वर्षों तक चलेगी और थ्रिक 3.6 बिलियन किलोमीटर की यह तय जो है ये यहाँ पर जो है दूरी तय करेगा तो ये एक तरीके का हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि नासा भेज रहा है और इसका जो प्राइमरी मिशन ये है कि इसके बारे में क्या करना है मेनली पता करना मेटल रिच एस्ट्रोयड है तो ये यहाँ पे क्या करना है इनको पता करना है कि यहाँ पे क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं इज इट क्लियर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दट साइकी जो हम लोग मिशन देख रहे हैं इट इज स्टार्टेड बाई द नासा और शुद्र ग्रह जो है मिटिल रिच शुद्र ग्रह के बारे में क्या करना है पता करना है दिस इज द अल्टीमेट गोल या दिस इज द मेजर जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा इज इट क्लियर इनको नासा पे गुस्सा आने लगा क्यों भाई नासा पे क्यों गुस्सा आ रहा है आपको यहाँ पे नासा पे गुस्सा क्यों आ रहा है और प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप सब लोग यहाँ पे नासा पे गुस्सा हाँ अभी इसको ऑलमोस्ट सिक्स ईयर भाई कोई मिशन अगर भेजा जाता तो कोई मिशन डिपेंड करता है ना आपको बड़े स्तर पे क्या करना है पता लगानी है चीज़ों को है। तो उसमें टाइम लगता है ना ऐसा तो है नहीं कि गए तुरंत तुरंत -तुरं गए और पता कर लें भाई मौसम है इन्वायरमेंट है हो सकता है मिशन सक्सेसफुल भी हो सकता है मे बी मिशन आपका जो है अनसक्सेसफुल भी हो सकता है सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ना सो ये आपको उसके लिए कहीं ना कहीं से अच्छा क्या लिख रहे हैं कि नासा कुछ कुछ आराम भी कर ले यूएसए वाले कितनी करेंट अफेयर्स बढ़ा रहे हैं <laughs> ये कौन सी बात हुई हाँ ये तो अच्छा है ना कि बहुत सारी चीज़ें इन पाइपलाइन में लगी रहती हैं कुछ ना कुछ रिसर्च चल रहा होता है तो इट्स रियली नाइस कि हम ह्यूमंस की क्यूरिसिटी है अब देख लीजिएगा यहाँ पे अभी देखिए चलिए बातें हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में यहां पर बात करते हैं कि क्या है ग्रीन एनर्जी तो ग्रीन हाइड्रोजन बस अब समझिएगा कि आने वाले फ्यूचर में हमारा यही भविष्य होना चाहिए और पोल्यूशन कम करने के लिए एज यू नो दैट दिल्ली इज हाईली पॉल्यूटेड है ना अगर पूछा जाए कि भारत में कुछ जो बहुत पॉल्यूटेड सिटीज हैं जिसमें से दिल्ली नंबर वन पे रहता है अक्सर और खास तौर से आप क्या देख रहे हैं कि जहां जहां पे प्रदूषण ज्यादा होगा वो ह्यूमंस के रहने के लिए वो जगह क्या हो जाती है और भी ज्यादा घातक हो जाती है बिकॉज सम हाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम सम हाउ यू सफरिंग फ्रॉम सम सीवियर जो है आपके सामने सांस लेने से संबंधित कुछ कुछ परेशानी आ सकती हैं तो देखिएगा इंडिया गेट्स ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी टू लोअर रिफ्यूलिंग टाइम हाउ विल इट चेंज कम्यूट अब देखेंगे इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप है ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन में इसका ट्रायल पीरियड विल जनरेट वाइटल डेटा फॉर द फ्यूचर ऑफ जीरो पर क्या देख रहे हैं कि हम लोग तो अभी यहां पर आइए इसके बारे में बात करें कि हाइड्रोजन बसों को लेकर के या हाइड्रोजन सेल बसों को लेकर के क्या है और इसमें आगे भविष्य की क्या संभावना है हाँ दिल्ली से पहली हरित हाइड्रोजन बस चली है भाई बच्चों यहां देख लीजिएगा यह दुनिया का पहला बी एस चूंकि आपको पता होगा यहाँ पे कि जो भी व्हीकल्स होते हैं उनको स्टेजेस में बांटा गया है अब उस स्टेजेस के बारे में अगर मैं बात करू यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया है तो ये जो है ये दुनिया का पहला बी एस सिक्स स्टेज टू विद्युत कृत आ, फ्लेक्स ईंधन वाहन है सो so बेसिकली क्या इसके फीचर्स हैं वट यू कैन सी कि दैट इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट बी एस सिक्स स्टेज टू इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इट ऑफर्स हायर यूज ऑफ इथेनॉल कम्बाइंड विद बेटर फ्यूल एफिशियंसिज एंड अनवेल्ड बाई इंडल तो एक बेहतर ईंधन जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल इन सब को लेकर के इनसे जो प्रॉब्लम आ रहा है तो एक हम कहीं ना कहीं से ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं दैट वी आर फाइंडिंग इन सच स्पेशली इन द कंटेक्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी तो रिन्यूएबल एनर्जी का एक अपना इंपॉर्टेंस है समस्या यही है कि कोशिश की जा रही है कि कुछ हम लोग अभी चुकी है ट्रायल बेसिस पे है है ना फ्यूल द फ्यूल सेल यूटिलाइज हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द बस एंड द ओनली बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द बस इट पावर तो ये इसका क्या है कि ईंधन सेल बस बिजली देने के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करेगा और बस से निकलने वाला एकमात्र उत उत्पादन पानी है एक बड़ा ही अच्छा आप कह सकते हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है डियर ऑल स्टूडेंट्स कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इज रिगार्डेड एज अ लो कार्बन फ्यूल एंड ऑल्टरनेटिव टू इंपोर्टेड एनर्जी सब जगह एक ही मुद्दा है कि हम लोगों को टारगेट क्या करना है लो कार्बन इमिशन समझिएगा यहाँ पे सो व्हाट इज द अल्टीमेट गोल अभी के समय पे हम ह्यूमंस को भी क्या मिला हुआ है एक टारगेट मिला हुआ है एंड व्हाट इज आवर टारगेट लो कार्बन हम लोगों को क्या करना है इमिशन करना है कि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन किया जाए ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें अब इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है चल रहा है और चलाया जा रहा है ताकि पर्यावरण को वी हैव हाँ टू प्रोटेक्ट आवर तो एक तरह से ये एडवांटेजेस इसके हैं कि ये इको फ्रेंडली है उद्देश्य क्या है यहाँ पर तो उद्देश्य यही जो मैंने आपसे कहा कि हमें कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करना है एंड इससे हमारा पर्यावरण क्या रहेगा सेफ रहेगा तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरह से ट्रायल बेसिस पे इसे स्टार्ट किया गया है सो लेट अस सी दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर अभी हम लोग को देखना होगा कि भविष्य में क्या इसका जो है परिणाम आने वाले हैं और ये कितना ज्यादा जो है एडेप्टेबल रहेगा कितना ज्यादा ये जो है इसको हम लोग जो है एडॉप्ट कर पाते हैं सो लेट अस सी तो अभी एक तरह से ट्रायल बेसिस पे ये स्टार्ट हुआ है बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या है ओके है यहां तक इज इट ओके भारत ड्रोन शक्ति 2023 ये आपको मैंने बताया भी था कि रक्षा मंत्री द्वारा हिंडन सेना स्टेशन पर पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति जो है इसका उद्घाटन किया गया अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन होने वाला है कहां पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो कि कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है जो आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ड्रोन है हमारे पास उसके क्या होंगे यहाँ पर प्रदर्शनी या उसमें दिखाया जाएगा ठीक है ना तो ये उसका क्या है बेसिकली रिलेटेड इससे जो न्यूज है जो कि आपको मैंने कुछ दिन पहले वो स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में यहाँ पे अच्छा एक चीज और देखिएगा यहाँ आ जाइए हाँ एक न्यूज और देख लीजिएगा यहाँ पे अः वहीदा रहमान जी को दादा साहब फालके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलने वाला है तो ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए भी रहा क्योंकि वहीदा रहमान जी अगर ये कहा जाए तो ये भारतीय सिनेमा है ना भारतीय सिनेमा का जो आरंभिक दौर रहा जिस समय पे भारतीय सिनेमा अपने डेवलपमेंट के कगार पर था या कह लीजिए कि भारतीय सिनेमा को आगे ले जाने के काम में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ये आ, इनके बारे में इन लोगों के बारे में अगर कहा जाए तो ये अपने आप में क्या एक सदी है एक सदी का मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट हम लोग आज देख पा रहे हैं ना तो शायद अगर उस समय पर जब उस समय पे जब महिलाएं जो है एक्टिंग नहीं किया करती थी बहुत ज़्यादा उस समय पर फिल्म में जाना और एक्टिंग करना और एक तरीके से एक प्रेजेंट करना एक प्रतिनिधित्व करना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ इनके द्वारा आई हैं और इनको जो है दादा साहब फालके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा तो ये बड़ा ही और इसके साथ साथ आपको मैं बता देती हूँ कि वहीदा रहमान जी को ऑलरेडी यहाँ पर अगर बात किया जाए तो केंद्रीय यहाँ पर देखिएगा ये केंद्रीय जो है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने घोषणा की है कि जो जो है वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की गई इनके बारे में अगर कहा जाए तो इनको पद्मश्री और पद्मभूषण पुरस्कार मिल चुका है अब इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा जो इनके द्वारा किए गए जो योगदान है भारतीय सिनेमा में इंडियन मूवीज में जो इनके द्वारा किए गए हैं जो आ, जो योगदान दिया गया है ये उसके उपलक्ष्य में इन्हें क्या मिला है यहां पर दादा साहब फाल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार चलिए हाईएस्ट ऑनर है ये इंडियन सिनेमा का जो इनको दिया जाएगा यहां पे चलिए जी अब आते हैं हम लोग आज के अपने क्वेश्चन पे प्रश्न पे ओके है चलिए नाउ इट्स ओके क्लियर है ये आप सबको यहां पे देखिए पुराने से ही तो नए की तरफ आए हैं ना अगर कोई ये कहे कि क्या आ, इंडिया जो है या क्या भारत जो है क्या एक बार में मतलब भारत का जो डेवलपमेंट है क्या ये अचानक से हो गया नहीं ना तो ये तो एक प्रक्रिया है ना और इस प्रक्रिया में सबका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है समझ में आ रही बात सो so, uh, सबके अपने कंट्रीब्यूशन है आज जो हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं ना वो उसी धीरे धीरे प्रक्रिया की ही क्या है यहाँ पे परिणाम है तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही बार में सब कुछ हो गया ना ना ऐसा नहीं है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एक दिन में रोम नहीं बना था रोम को बनने में भी क्या है यहाँ पे टाइम लगा था ठीक है चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन है विध रेफरेंस टू द ब्रेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्रेंट कुरूट के बारे में आपको स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है क्वेश्चन है यह फारस की खाड़ी के तेल क्षेत्रों से निकाला गया एक प्रकार का तेल है इट इज अ टाइप ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल फील्ड इन द पर्शिया गल्फ लो डेंसिटी होता है सल्फर कंटेंट होता है मेजोरिटी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल की आपूर्ति की कीमत ब्रेंट क्रूड के सापेक्ष होती है द मेजोरिटी ऑफ ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड क्रूड ऑयल सप्लाईज आर प्राइज रिलेटिव टू ब्रेंट क्रूड बताना है क्या होगा इसका आंसर चलिए जिसका आंसर दे दीजिए क्या होगा ब्रेंट क्रूड के बारे में पूछा जा रहा है यस सो प्लीज गिव योर आंसर विच वन इज द राइट आंसर आदि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आदि सो वन इज द राइट आंसर आपको कहीं ये मैंने पढ़ाया है क्या कि फारस की खाड़ी से नॉर्थ सी से है सो so दैट्स आपका दो और दीन होगा सो बी इज द राइट आंसर यहाँ देख लीजिएगा भूल जाते हैं आप लोग भी जल्दी हाल ही में भारत ने यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे क्रिएटेड हिस्ट्री विनिंग गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स आफ्टर फोर्टी वन ईयर्स इन विच स्पोर्ट्स घोड़सवारी तीरंदाजी क्रिकेट और तैराकी जल्दी से आंसर दे दीजिए यहां पे बोला जा रहा है कि इकतालीस साल के बाद भारत ने अभी स्वर्ण पदक जीता है और इतिहास रचा है तो यह कौन से खेल में घुड़सवारी में तीरंदाजी में क्रिकेट में या फिर तैराकी में सो विच वन इज द राइट आंसर हॉर्स राइडिंग बिल्कुल सही है यस दिस इज द राइट आंसर घोड़सवारी में आइए देखते हैं साइकी अंतरिक्ष यान साइकी स्पेस क्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय पूछा जा रहा है आपसे नासा रॉस कॉस्मोस है इसरो है या फिर ई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी सो विच वन इज द राइट आंसर चलिए भैया आंसर दे दीजिए इसमें क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा सो विच वन इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है ए इज द राइट आंसर नासा के थ्रू आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाल ही मेरा विझिंझम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह अवस्थित है इन कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड केरला सो विच वन इज द राइट आंसर पूछा जा रहा है हाल ही में विजिंगजम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बंदरगाह इज लोकेटेड कहां पर है ये Uh, यहाँ देख लीजिएगा इसके बारे में जो लोग आंसर दे रहे हैं हाँ जी इसके बारे में जो लोग आंसर दे रहे हैं इसका आंसर दे दीजिए फोर का बी कहाँ से हो जाएगा कहाँ सो रहे थे क्या आप लोग हाँ जी टिंकल का सही आंसर है अदरवाइज किसी का सही आंसर नहीं है दैट इज द केरला सारी कहानी बात हो गई हाल ही में चर्चा में रही न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति संबंधित है द रिसेंटली जस्टिस गीता मित्तल कमिटी इज रिलेटेड टू प्रोमोट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्टार्टअप टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट ऑफ वुमेन इन हायर एजुकेशन टू इंक्रीज वुमेन्स कंट्रीब्यूशन मनीपुर कास्ट वॉयलेंस केस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बताना है कि गीता मित्तल समिति जो है ये संबंधित है किससे संबंधित है महिलाओं के स्टार्टअप में भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संबंधित है उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन दर में वृद्धि हेतु महिलाओं के जीडीपी में योगदान के संदर्भ में या मणिपुर जातीय हिंसा के मामले में जांच हेतु हाँ जी चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए वाई दिस इज इन न्यूज गीता मित्तल कमिटी सो दिस इज न्यूज बिकॉज मणिपुर में जातीय हिंसा के मामले में जांच हेतु क्या है इसके बारे में देख सकते हैं इससे संबंधित है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिट्रॉन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सिट्रॉन इट इज डिस्कवर्ड वायरस एक नया वायरस का यह प्रजाति है इट इज अ न्यूक्लियर सबमरीन एक परमाणु पनडुब्बी है यह इट इज अ रेयर अर्थ मिनरल है एक दुर्लभ मृदा खनिज है और सर्कुलर ये क्या है आपको आ रहे है इट इज अ सर्कुलर राइबो न्यूक्लिक एसिड सो वॉट इज दिस ये है क्या स द करेक्ट आंसर इज डी इट इज अ सर्कुलर राइबोन्यूक्लिक एसिड अभी इसी के बारे में हम लोगों ने बात की थी आइए द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि रक्षा मंत्री द्वारा पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया है सो द फर्स्ट ड्रोन एग्जीबिशन कम डेमोन भारत ड्रोन शक्ति 2023 वाज तेईस वॉज इनोग्रेटेड द डिफेंस मिनिस्टर ऑन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन अंबाला वायु जो है वायुसेना स्टेशन न्यू दिल्ली एयरफोर्स स्टेशन एंड उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन चलिए इसके आंसर दे दीजिए कहाँ इसका ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं कहाँ लगाया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए क्या होना चाहिए सो विच वन इज द राइट आंसर इसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये बताना है आपको हिंडन है, हिंडन देखिएगा वायुसेना स्टेशन यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू द मुकुर्थी नेशनल पार्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इट्स की स्टोन स्पीसीज नीलगिरी ताहर पूछा जा रहा है पाइकरा रिवर फ्लोस थ्रू द पार्क पाइकर नदी जो है पार्क से होकर बहती है इट इज डिजिग्नेटेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है चलिए बताना है इसमें कि क्या होगा विच वन इज द करेक्ट आंसर सो विच वन इज द करेक्ट आंसर जल्दी से आंसर दे दीजिए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है हाँ जी डियर ऑल स्टूडेंट काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक जिन लोगों ने भी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप डाउनलोड नहीं किया है सो काइंडली डाउनलोड द ऐप ऑफ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन वहीं अब आपको टेलीग्राम किस में आपको क्या मिलेगा पीडीएफ मिलेगा हाँ जी वहीं पर आपको क्या मिलेगा पीडीएफ मिलेगा तो अब आप लोग रेडी हो जाइए बिल्कुल सही है ये सही ये बोला जा रहा है तो ये बिल्कुल सही है यहां बताना अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक किस मंत्रालय से संबंधित है सो so, पूछा जा रहा है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल कास्टेज एंड अदर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री कौन से मंत्रालय से यह संबंधित है दिस इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा प्री और पोस्ट मैट्रिक के बारे में पूछा जा रहा है आपसे चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए क्या होना चाहिए विच वन इज द राइट आंसर सामाजिक न्याय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बिल्कुल सही है आइए लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में दादा साहेब फालके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है हु वॉज रिसेंटली अनाउंसड टू बी गिवेन द दादा साहेब फालके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज दैट वहीदा रहमान हेमा मालिनी शर्मिला टेगोर और शबाना आजमी हु इज शी चलिए आंसर दे दीजिए इसका एक्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही एकदम सही आंसर है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़े रहने के लिए यस yes, जिन लोगों ने भी वैसे मैं देख लेती हूँ और भी जो लोग लिख रहे हैं तो प्लीज लिख लीजिए जी हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बबीता शालिनी ओके लकी गुंजन शालू हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है दैट इज वहीदा रहमान इनको मिला है क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अच्छा, अच्छा स्टूडेंट लोग ध्यान से सुन लीजिए आप लोग अब अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा यहीं आपको क्या मिलेगा अब मेरी क्लास का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा जिन लोगों ने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है सो काइंडली अपलोड द ऐप ऑफ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन इसको डाउनलोड कर लीजिए तो इसका बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा शाम पांच बजे मुझसे मिलिए आप लोग हिस्ट्री एमसीक्यू की क्लास में थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू बच्चों धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद टेक केयर अपना ध्यान रखिए क्लास अच्छा।